महंगाई की कमर तोड़ने की, इनकी सरकार में तो महंगाई ने कमर तोड़ दी, अब महंगाई की कमर तोड़ने की लड़ाई है हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तर्ज पे 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब परिवारों को दोबारा से 100-100 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को MSP की गारंटी और कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, पारदर्शी रूप से, समयबद्ध रूप से 2 लाख रोजगार दिलवाकर हरियाणा में उनके भविष्य को आगे लेके जाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई लाडवा के बाईपास को बनवाने की भी लड़ाई है। ये आज हम कहना चाहते हैं संकल्प। देखो भाई, कल आपने देखा होगा इन्होंने कल डिक्लेयर कर दिया चुनाव। कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। तो भाई कौन सी तारीख को वोट पड़ेंगी, नतीजा कौन सी तारीख का आएगा? 4 अक्टूबर बीजेपी बाहर। मैं आज आपको कह के जा रहा हूं, ये बात ये नोट कर लेना। और इन्होंने पहले भी बिचल के किया है, क्योंकि इनको समझ नहीं आया जब हमारा ये अभियान चला, हमारी ये यात्रा चली, और कल ये फैसला, जब ये बात आई कि कल हुड्डा साहब और उदयवान जी एक अलग अपनी रथ यात्रा शुरू करेंगे 25 तारीख से, और वो भी कुरुक्षेत्र से करनी थी 25 तारीख से, तो इन्होंने। और भाई एक और चीज आपने देखी होगी, सुबह नायब सिंह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि नहीं हुई थी नायब सिंह जी की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस? और उन्होंने कहा कि भाई हम ठीक टाइम पे चुनाव कराएंगे, बिल्कुल ठीक टाइम पे चुनाव कराएंगे बीजेपी जल्दी। तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, या तो बीजेपी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बीजेपी ने उनसे सलामी ली, उनसे विचार विमर्श नहीं किया, ये हरियाणा का अपमान है, ये नायब सिंह जी का अपमान नहीं, ये पूरे हरियाणा का अपमान है। या तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री मान ही नहीं रही, या बीजेपी ये मान रही है कि आगे उनकी सरकार आ नहीं रही, क्या है मुझे पता, कारण पता नहीं, मगर दिल्ली की बीजेपी वालों ने बिना इनसे पूछे, ये तो कह रहे थे कल मीटिंग की, ये तो कह रहे थे एक दो और घोषणा, और इनकी तो इतनी जल्दी आपने ये करा कि इनकी तो कोई घोषणा पूरी भी नहीं हो पाई। इन्होंने कहा था 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे नायब सिंह जी ने, जो कांग्रेस की घोषणा, वो तो अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया। 500 रुपए गैस सिलेंडर आया कि नहीं आया, मैं आपसे पूछना हूं, आना शुरू हुआ कि नहीं आना शुरू हुआ? 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं आया। इन्होंने कहा था कि ओबीसी समाज को हम 6 लाख से बढ़ाकर क्रीमी लेयर 8 लाख करेंगे, अभी तक उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, एक भी ओबीसी समाज के लड़के को, उसका बच्चे को उसका फायदा नहीं हुआ। 10 साल तक 6 लाख के क्रीमी लेयर के हिसाब से ओबीसी, तो वो जो उन्होंने बढ़ाया था क्रीमी लेयर नायब सिंह जी ने, उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया, और आचार संहिता लग गया अब तो जो है। तो ये क्या कारण है, बीजेपी ने नायब सिंह जी के जो फैसले थे वो फैसले भी आए नहीं, उससे पहले इनको, इनसे बिना विचार विमर्श किए बीजेपी ने चुनाव डिक्लेयर करा के आचार संहिता लगा ली, ये हरियाणा का भी अपमान है। हम पूछना चाहते हैं, या तो इनको ये नहीं मान रहे या ये मान रहे कि सरकार नहीं आ रही, मुख्यमंत्री दिल्ली बैठा यूथ हो गया। तो ये कह रहे हैं खट्टर साहब, ये कह रहे हैं कि भाई खट्टर साहब दिल्ली बैठे हैं, अरोड़ा साहब ने ये बात कही अशोक अरोड़ा जी ने कि खट्टर साहब दिल्ली बैठे हैं, भाई दिल्ली से फैसला हुआ है, वो वही बताएंगे असली बात की भाई क्या कहानी है। तो जो बात, जो कहानी है, मगर ये अच्छा नहीं हुआ इस तरीके से, मैं समझता हूं ये अच्छा नहीं किया। तो खैर, ये आज हम संकल्प लेते हैं, क्योंकि अब तो अचानक इलेक्शन हो गया, डिक्लेयर संकल्प लेते हैं, 4 अक्टूबर को आपकी सरकार बनेगी। और मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अधिकारी फाइल तैयार कर ले, PWD महकमे के अधिकारी फाइल तैयार कर ले, फाइल को जहां भी, जिस भी ठंडे बस्ते में फाइल पड़ी है उसको झाड़ के, पहुंच के, चमका के, जो अधिकारी पहले लाएगा PWD में उसका हम ख्याल रखेंगे। लाडवा के बाईपास की फाइल
और कुरुक्षेत्र यमुनानगर फोर लेन की फाइल अक्टूबर में फाइल मंजूर करके नवंबर में पत्थर रख देंगे यहाँ पे, बाईपास का फोर लेन आएगा।